जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं सेटलमेंट जियोग्राफी की, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेटलमेंट जियोग्राफी की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि एग्जाम में बार बार आप लोगों से पूछा जा रहा है वन लाइनर के रूप में कि ये कंसेप्ट किसने, सिटी या कोई ऐसा कंसेप्ट, ठीक है, कि इसके बारे में किसने बताया, किसन ने बताया। तो उसी से रिलेटेड हम 10-15 कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और कंसेप्ट कि उसको किसने दिया है, ठीक है, किस विद्वान के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं जिसमें बात किया गया है इंफॉर्मेशनल सिटी की, ठीक है। तो एक डिफरेंट टाइप की सिटी होती है जिसका नाम है इंफॉर्मेशनल सिटी, यानी सूचनात्मक शहर। तो इंफॉर्मेशनल सिटी का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, विद्वान थे मैनुअल कौशल। क्या नाम था इनका, मैनुअल कौशल, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे ही वल्लनांदर के रूप में पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा भी गया है कि इंफॉर्मेशनल सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, तो किसने दिया था, आपके मैनुअल कौशल ने दिया था। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लोबल, ठीक है। तो ग्लोबल सिटी क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ग्लोबल सिटी उस सिटी को कहते हैं जिनका जो नेटवर्क होता है वो किस लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। जैसे इंडिया में बात किया जाए तो किस सिटी को ग्लोबल सिटी की संज्ञा दी जा सकती है, तो यहाँ की जो राजधानी है भारत की, दिल्ली, ठीक है। या जो बड़े बड़े शहरों के संगठनों के क्या होते हैं, मुख्यालय होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे जिनेवा हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ग्लोबल सिटी है। क्या है, ग्लोबल सिटी है। यहाँ पर ग्लोबल यानी जो पूरे इंटरनेशनल लेवल है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई हेडक्वार्टर है या कोई ना कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, ठीक है। अगर दिल्ली में भी कुछ इस तरह के मुख्यालय हैं तो ये भी क्या है, तरीके से ग्लोबल सिटी है, इसको ग्लोबल सिटी बोला जा सकता है। तो ग्लोबल सिटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा एक पॉइंट है आपका सेटलमेंट, सैटेलाइट टाउन यानी उपग्रह नगर क्या होते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं कि मान लीजिए क्या है, एक मुख्य नगर है, ये आपका दिल्ली है, ठीक है, पूरा क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली में लगातार पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, इसीलिए यहाँ के पॉपुलेशन को और बढ़ने ना देने के कारण क्या है कि इसके आसपास जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, ठीक है, नोएडा, इसके आसपास कुछ क्या है, छोटे छोटे शहर डेवलप कर दिए गए हैं। तो उस शहर को क्या बोला जाएगा, सैटेलाइट टाउन, यानी सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये अर्थ है, अर्थ क्या, उपग्रह क्या है, चंद्रमा, ठीक है। तो इसके क्या हो, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसे के चारों ओर क्या डेवलप कर दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे शहर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट टाउन, ठीक है। क्या बोला जाता है, सैटेलाइट टाउन, ठीक है। अब जो सैटेलाइट टाउन होते हैं, जो ये बेसिकली होते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, यानी ये रोजगार परक होते हैं, इनका जो निर्माण किया गया है, ठीक है, ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यानी यहाँ पर क्या किए गए, मान लीजिए आपका हो गया गुड़गांव, तो गुड़गांव में कुछ क्या हो गए, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा दी गई ताकि जो आसपास के लोग हैं वो दिल्ली के मेन शहर में ना आए बल्कि उनको रोजगार यहीं पर प्राप्त हो जाए। यानी ये क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, सैटेलाइट टाउन का रोजगार परक होता है, यानी रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। एक होता है सब अर्बन, ठीक है, सब अर्बन क्या होता है या सब अर्बन क्या है, उपनगर इसको भी बोलते हैं। नगर भी क्या होता है, मुख्य नगर के चारों ओर जो छोटे छोटे शहर डेवलप होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, उपनगर बोला जाता है। लेकिन इनका जो पर्पज होता है, ये रेजिडेंशियल पर्पज के से बनाए जाते हैं, यानी जो आपने अभी देखा सैटेलाइट टाउन, इनका पर्पज क्या होता है, रोजगार दिलाना इनका पर्पज होता है, ठीक है, रोजगार परक होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री भी लगी होती हैं, लेकिन जो सैटेलाइट टाउन होते हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य शहर हो गया, मुख्य शहर के चारों, तो जो सैटेलाइट, सॉरी, जो आपका सब अवर होगा यानी उपनगर होगा, ये क्या होगा, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग आ रहे हैं दिन में, ठीक है, वो क्या हो जाएं, शाम को अपने घर वापस लौट जाएं, यानी जो मजदूर हैं, ठीक है, या जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से क्या हो जाएं, शाम को अपने घर वापस लौट जाएं, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, ये शहर बनाए जाते हैं, और ऐसे शहरों को क्या बोलते हैं, सब अर्ब बोलते हैं, यानी उपनगर बोलते हैं, ठीक है। ये रोजगार तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो रेजिडेंशियल पर्पज होता है। एक सिटी होता है
गार्डन सिटी, ठीक है। तो गार्डन सिटी को गार्डन सिटी के नाम से ही आप जानिए, बगीचों का शहर मत इसको कह दीजिएगा हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो गार्डन सिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, वो दिया था आपके एवेंजर होवार्ड ने। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि गार्डन सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है। एक होता है न्यू टाउन, तो न्यू टाउन का कंसेप्ट किसने दिया, तो न्यू टाउन का कंसेप्ट दिया पैट्रिक एम्बर क्रोम्बी ने। किसने दिया, पैट्रिक एम्बर क्रोम्बी ने। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है एक विशेष प्रकार का टाउन, नेबरहुड टाउन या पड़ोसी नगर जिसको बोलते हैं। इसका जो है कंसेप्ट किसने दिया था, तो क्लेरेंस पेरी, क्लेरेंस पेरी विद्वान थे, इन्होंने क्या दिया था कि आपके नेबरहुड टाउन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अगला है आपका ट्रांसपोर्ट टाउन, तो ट्रांसपोर्ट टाउन का कंसेप्ट किसने दिया था, एक विद्वान थे बुकानन, क्या नाम था इनका, बुकानन। ये सब जो आपको बताए जा रहे हैं, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, चार एक मैचिंग वाले मैच द फॉलोइंग में, एक तरफ सिटी का नाम दिया जाएगा, गार्डन सिटी, नेबर टाउन, ट्रांसपोर्ट सिटी या सैटेलाइट टाउन, इधर क्या दे दिया जाएगा इसकी विशेषताएं, या इधर दे दिया जाएगा कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक होता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, यानी शुष्क, ठीक है, शुष्क बिंदु बस्तियां, यानी जो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, आइए देखते हैं कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। तो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट वो सेटलमेंट होते हैं अगर कहीं पर, ठीक है, कहीं पर पानी के स्रोत बहुत अधिक है, ठीक है, पानी का सोर्स ज्यादा है, उन्हीं पानी के सोर्स के बीच में कोई क्या है, सूखा स्थल है, यानी चारों तरफ ये पानी है, ठीक है, यहाँ भी पानी इनको मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, यहाँ भी वाटर है, और उसी के बीच में कहीं पर, यानी चारों तरफ आर्द्र भूमि है, उसी पे कहीं पर शुष्क भूमि है, तो इस शुष्क भूमि पर जो सेटलमेंट डेवलप होगा उसको बोलेंगे हम कौन सा सेटलमेंट, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। क्या बोलेंगे, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट बोलेंगे, ठीक है। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहाँ पाया जाएगा, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर्द्र क्षेत्र में पाया जाएगा, यानी अगर आपको दे दिया कि ड्राई पॉइंट सेटलमेंट पाए जाएंगे, आपने मरुस्थल दे दिया, आपने ड्राई देखा, आपने मार दिया, लेकिन उसका मतलब तो समझिए, ड्राई पॉइंट का मतलब हुआ कि जहाँ पर जल जो जलीय भाग है वो ज्यादा है, उसी के बीच में एक स्थलीय भाग है, तो जहाँ पर जलीय भाग ज्यादा है स्थलीय भाग कम है, ठीक है, यानी जो शुष्क एरिया वो कम है, वो मरुस्थल में थोड़ी होगा, वो कहाँ होगा, किसी आर्द्र एरिया में होगा। एक होता है पॉइंट सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट यानी बेड पॉइंट, यानी आर्द्र बिंदु जो बस्तियां पाई जाएंगी वो कहाँ पाई जाएंगी, ठीक इसका अपोजिट होता है, कहीं पर क्या है बहुत ज्यादा, यहाँ पर शुष्कता है, यहाँ पर ड्राइनेस है, यहाँ पर ड्राइनेस है, इसी के बीच में कहीं कोई एरिया है जो क्या है, बहुत ही आर्द्र है, यानी यहाँ पर पानी का सोर्स है, तो बहुत सारे शुष्क एरिया के बीच में जो आर्द्र एरिया होता है वहां पर जो बस्तियां डेवलप होती हैं उसको बोलते हैं बेड पॉइंट सेटलमेंट। यानी ये बस्तियां कहाँ पाई जाएंगी, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्या होता है, ड्राई एरिया होता है, उसी के बीच में कहीं पर जहाँ जल का स्रोत होता है वहीं पर बस्तियां बसना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस तरह की बस्तियां कहाँ पाई जाएंगी, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएंगी। इतना पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आइए देखते हैं। एक है प्राइमेट सिटी, ठीक है, तो प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, एक विद्वान थे मार्क जेफरसन, कौन थे, मार्क जेफरसन। तो मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट दिया था वो किस सन में दिया था, आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये आपका नॉलेज टेस्ट है कि आप लोग देखिए मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। एक आपका है कनर्वेशन, ठीक है, तो कनर्वेशन, ठीक है, कनर्वेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, आपके पैट्रिक ग्रिश ने 1915 में दिया था। ये भी पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कनर्वेशन जो कंसेप्ट वो किसने दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्यूमेनोपोलिस, एक्यूमेनोपोलिस, तो एक्यूमेनोपोलिस या इसको हिंदी बोलते हैं प्रक्षेपित नगर, ठीक है, जो इसका कंसेप्ट दिया था डॉक्सिया डिस ने दिया था, ठीक है, डॉक्सिया डिस ने 1967 में क्या दिया था, एक्यूमेनोपोलिस, ठीक है, क्या शब्द दिया था, एक्यूमेनोपोलिस, एक्यूमेनोपोलिस को उन्होंने बताया था कि 21वीं शताब्दी जब लगेगी, ठीक है, तो 21वीं शताब्दी में क्या होगा कि 21वीं शताब्दी के मध्य तक जो नगर होंगे वो कनर्वेशन, मेगालोपोलिस से भी बहुत बड़े बड़े नगर होंगे, उसी को बोला जाता है एक्यूमेनोपोलिस, ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है। एक होता है परवर्स माइग्रेशन, परवर्स माइग्रेशन यानी विपरीत प्रवास, तो परवर्स माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ माइग्रेशन करता है, यानी विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र की तरफ माइग्रेशन करता है, माइग्रेट करता है, उसी माइग्रेशन को बोलते हैं परवर्स माइग्रेशन, या उसको बोलते हैं दुराग्रही हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, आप लोग हिंदी इसकी थोड़ा सा टफ है
दुराग्रही प्रवसन, यानी जो बहुत ही कम पाया जाता है, क्यों कोई चाहेगा विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र की तरफ आना। ठीक है, एक शब्द होता है जेंट्रिफिकेशन। तो जेंट्रिफिकेशन क्या होता है? जेंट्रिफिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, सबको ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, भविष्य में पूछा भी जाएगा। जेंट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब कोई हाई इनकम ग्रुप का व्यक्ति, ठीक है, हाई इनकम ग्रुप का व्यक्ति क्या होता है कि पहले कहाँ लौट जाता है, पहले जब इसका घर ओल्ड हो जाता है, ठीक है, ये मानी इसका हाउस है, तो इसका घर ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, तो ये यहाँ से दूर चला गया, कहीं पर अच्छा सा घर लिया और वहीं पर रहना स्टार्ट किया। लेकिन भविष्य में क्या हुआ, ये अपना नया घर छोड़ करके यहाँ आ गया, यानी जो उच्च आय वाले लोग हैं, जो अपना होम नया छोड़कर पुराने घरों में आकर दोबारा बस जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है जेंट्रिफिकेशन। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, यानी जब उच्च आय के लोग दोबारा अपने पुराने घरों में आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। एक होता है रेडियल सिटी, ठीक है, रेडियल सिटी यानी अरिय शहर। तो अरिय शहर का कंसेप्ट किसने दिया था? अरिय शहर का कंसेप्ट दिया था आपके ली कार्बुजे ने, ठीक है। ली कार्बुजे ने भारत के लिए बहुत ही बड़ा बड़े बड़े शहरों का मास्टर प्लान किया है, जैसे चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान किया गया था वो किसने किया था, वो ली कार्बुजे ने किया था। और ली कार्बुजे किस प्रकार के शहरों के विकास की बात करते हैं, रेडियल सिटी की बात करते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक और इम्पोर्टेंट सिटी है आपका लास्ट में लीनियर सिटी, यानी रेखीय शहर का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? तो रेखीय शहर का कंसेप्ट एक स्पेनिश इंजीनियर थे, फिलासफर भी थे बहुत बड़े, इनका नाम था सोरियो माटा, ठीक है, सोरिया माटा इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोरियो माटा ने क्या किया था, माटा महोदय ने ये कंसेप्ट दिया था कि सिटी कैसी होनी चाहिए, जो है लीनियर होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। तो ये जो 10-15 कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, समझ लेना है, एग्जाम में आपसे ये 4-5 जो है कंसेप्ट देकर और मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।